नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में और गले में जो खराश हो जाती हैं, गले में जो बलगम जमा हो जाता है और गले में कुछ भी आपको जैसे अटका हुआ महसूस हो जाता है, आपके टॉन्सिल्स वगैरह कुछ बढ़ जाते हैं, इन सभी समस्याओं के बारे में आज बात करते हैं और आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ कि जो है आप इस समस्या को जो है जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं गले में किस किस टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, गले में इन्फेक्शन जो है नॉर्मली जो है आपके खान पान से रिलेटेड होता है और थोड़ा पोल्यूशन से भी रिलेटेड होता है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ बीमारी हो, किसी और टाइप की बीमारी हो, तो उसके सिम्टम भी जो है आपके गले में जो है दिखते हैं। पेट से संबंधित खासकर अगर कोई बीमारी हो तो उसके सिम्टम जो है आपके गले में दिखते हैं। इसमें दोस्तों सामान्य होते हैं कि आपके जो गला होता है उसमें जो है बलगम जमा होता है, ये यहाँ पे जो गला है उसके अंदर आपके जो बलगम जमा हो जाता है, यहाँ पे जो है गला जो सूख जाता है, उसमें शॉर्ट थ्रोट हो जाता है। इसके अलावा उसमें जो है छोटी छोटी आपके जो तलवा होता है, तलवे के आगे जो है एक छोटा सा आप ये मान लीजिए मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है, उसको टॉन्सिल्स बोला जाता है। दोस्तों ये जो टॉन्सिल्स होता है ये जो है कभी कभी बढ़ जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो फिर आपको कुछ भी खाने में जो है दिक्कत होती है, कुछ भी पानी वगैरह निकलते हैं तो वहाँ पे जो अड़चन पैदा होती है और फिर जो है आपको दर्द वगैरह होता है। और एक बार ऐसा भी होता है कि आपके जो टेंसिस होता है उसके पीछे की तरफ जो है छोटी छोटी फुंसियाँ भी हो जाती हैं, वो भी जो है दर्द का कारण बनती हैं। इसके अलावा आपके ऊपर तलवा होता है, तलवे के अंदर भी जो है आपके खुजली वगैरह होती हैं। तो ये जो सभी प्रकार की समस्या है दोस्तों, ये जो है गले से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। और गला जो आप जानते हैं कि आप जो है पानी पीते हैं गले से, आप जो खाना खाते हैं, तो गला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके बॉडी का अंग माना जाता है। इसमें अगर कुछ भी प्रकार की समस्या आती है तो फिर आप सर बॉडी में जो है न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, क्योंकि आप खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे, आप जो है पानी नहीं पी पाएंगे, तो उससे जो है फिर प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों बात करें इसके कुछ ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों टॉन्सिल्स वगैरह अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें तो दोस्तों ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसमें जो आपको ऑपरेशन होता है। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिससे भी जो है टॉन्सिल्स, गले में खराश, बलगम, ये सब जो है आपके ठीक हो सकती हैं। दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही नुस्खा बताने वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं है आपको 5-7 नुस्खे बता दूँ, आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़ कर दूँ। आपको सिर्फ एक नुस्खा बताने वाला हूँ और अगर वो नुस्खा आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके लिए जो है इन सारी समस्याओं का जो है जड़ से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों आपको लेनी है सिर्फ हल्दी। हल्दी जो होती है उसी के जो है 3-4 टाइप के नुस्खे हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों हल्दी जो होती है उसको जो है सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और फिर जो है पानी को ठंडा करिए या फिर गुनगुना कर दीजिए और उसके आप गरारे कर लीजिए। हल्दी जो है दोस्तों एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, मतलब ये कीटाणु को भी मारती हैं और आपके जो भी घाव होते हैं उनको हील करती हैं, उनको ठीक करती हैं। इसमें एक करक्यूमिन नाम का यौगिक भी पाया जाता है, ये यौगिक जो है आपके गले के सभी प्रकार की समस्याओं के लिए एकदम रामबाण इलाज करता है। तो सबसे पहला नुस्खा ये हो गया, आप गर्म पानी कर लीजिए थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा जो है हल्दी डाल दीजिए और आप सीधे गरारे कर लीजिए गुनगुने पानी से। दूसरा है वही, आप गुनगुना पानी रखिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल के आप गरारे करते हैं तो उससे भी जो है आपका ये टॉन्सिल्स वगैरह, ये जो भी गले की इन्फेक्शन की समस्या है वो ठीक हो जाती हैं। एक और नुस्खे की बात करें दोस्तों, तो आप हल्दी वाला दूध जो है वो पी सकते हैं, इसमें आपको डबल न्यूट्रिशन मिलते हैं, आपको हल्दी के भी न्यूट्रिशन मिलते हैं, आपको जो है दूध के भी न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो हल्दी वाला दूध जो है आप जो है पी सकते हैं और बनाना एकदम सिंपल है, आप दूध गर्म कर लीजिए, उसमें जो थोड़ा सा हल्दी जो है एक चुटकी जो है हल्दी उसमें डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद आप जो है उसको थोड़ा सा उबालिए, उबालने के बाद नीचे रख के आप जो है इसको छान लीजिए और ठंडा होने के बाद आप इसको पी सकते हैं, या गुनगुना आप पिए तो गुनगुना पी सकते हैं। अगला नुस्खा है दोस्तों, ये नुस्खा है जो आपके गले के सभी प्रकार की समस्या, मतलब खांसी भी है अगर आपको, तो खांसी भी जो है आपकी इससे ठीक हो जाएगी। इसमें जो दोस्तों आपको लेना है अदरक, अदरक को लेके उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए अदरक की, और उस अदरक को जो है आप चूसिए, उससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो अदरक है उसके भी गुण जो है आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। अदरक आपको पता है गर्म होती है थोड़ी तासीर में, तो वो जो है अगर ठंड के कारण आपके अगर गले में कुछ प्रॉब्लम हुई है, गला जम गया है, तो वो जो है गर्मी देके उसको ठीक करती हैं।
और अगर अंदर कुछ घाव है, बैक्टीरिया है, उसके कारण हुआ है, तो फिर हल्दी जो है उसमें जो है गुण आपका दिखाती है। एक और नुस्खे की बात करें तो हल्दी और अदरक जो है उसका जूस बना के भी आप पी सकते हैं। हल्दी जो है अदरक के जूस में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए चुटकी, और उसको जो है आप पिए तो उससे भी जो है आपका गला ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं करें तो आप सीधा हल्दी ले लीजिए और सीधा अपने गले के अंदर थोड़ी सी जो है चुटकी सी हल्दी जो है आप मुँह के अंदर डालिए, उसको जो है सीधा गले के अंदर लेके जाइए। उससे भी जो है हल्दी डायरेक्ट जो है आपके बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसको ठीक कर देगी। तो दोस्तों आप जो हैं बाकी सभी नुस्खों को छोड़ के अगर सिर्फ हल्दी का ही नुस्खा यूज़ कर लेंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं गले की वो सब जो है ठीक हो जाती हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।